इस वीडियो में मैं आपको 1.5 से 2 साल तक की बच्ची की ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो ये हमारी ए लाइन शेप में होगी और इसमें हमें बाजू अलग से नहीं लगानी पड़ेगी, ड्रेस के साथ ही बाजू की इसमें कटिंग हो जाएगी। तो जो इसकी लंबाई लेते हैं हम, वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और जो चौड़ाई इसकी लेने का तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने इसकी लंबाई करीब करीब 17 इंच ली हुई है, जिसमें 1.5 इंच के आसपास, 1.5 से 2 इंच के आसपास मोड़ने के लिए और ऊपर सिलाई के लिए है। अब मैं बताती हूँ कि इसकी चौड़ाई हम किस तरह से लेते हैं। देखिए, चौड़ाई हम किस तरह से लेंगे, जैसे 4.5 इंच हमारा तीरा होगा और तीरा प्लस बाजू की जितनी हमें लंबाई रखनी है, बाजू की लंबाई, तो मुझे बाजू की लंबाई 3.5 इंच के आसपास ही रखनी है। और अगर आपको मुझे बाजू में आगे से दूसरी पट्टी लगानी है, इसलिए मैंने इसमें मोड़ने का नहीं लिया हुआ है, और अगर आपको कोई दूसरी पट्टी नहीं लगानी है बाजू में तो आप इसमें प्लस मोड़ने का भी ले लीजिए। तो चौड़ाई का इसका तरीका होता है तीरा प्लस बाजू की लंबाई। अब हमने जो तीरे के लिए निशान लगाया है, उससे हम 4.5 इंच पर एक मुड्ढों का निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान हम 1.25 इंच तक रख सकते हैं, 1.5 से 1.25 इंच। तो मैंने 1.25 इंच गले का निशान लगाया है चौड़ाई के लिए। और आगे गले की गहराई हम 2 इंच भी रख सकते हैं, आप 2.5 इंच भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि इतना करीब करीब ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो नीचे थोड़ा कम बचता है। फिर 2 से 2.5 इंच तक आप कितना भी इसको रख सकते हैं। और एक निशान आप इधर से यहां लगा दीजिए, और 2 इंच का करीब करीब हम इसमें नीचे एक कट लगाएंगे। इसको हम आगे से खुला रखेंगे, जिससे बच्चे के सिर में आसानी से आ जाए। और ये आगे के गले की शेप है, और पीछे के गले में करीब 1 इंच की आप शेप दे देंगे। आप ज्यादा शेप भी रख सकते हैं, 1.5 इंच तक भी रख सकते हैं, बस बच्चे के सिर में आसानी से आ जाना चाहिए। और उसके बाद हम अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। हमारी चेस्ट जैसे 22 है, तो 22 का चौथा हिस्सा हुआ हमारा 5.5 इंच। तो 5.5 से थोड़ा हम ज्यादा ही लेंगे, क्योंकि बच्चों के कपड़े थोड़े लूज ही होते हैं। मैंने 5.25 इंच के आसपास लिया है। यहां एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम करीब करीब 4 से 4.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे कमर के लिए। वहां हम यहां से थोड़ी सी बस 0.5 इंच की गहराई पर एक शेप देंगे। इससे जैसे यहां पर हमारा हुआ है 5.25 इंच के आसपास, तो इससे बस हम 0.5 इंच कम रखेंगे यहां से। और नीचे जैसे हमने आप 5.25 इंच रखा होता, नीचे हम 8 इंच तक इसको रख सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद इन सारे निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए, ये 2 पीस है, मैंने इनको, ये एक आगे का एक पीछे का, तो मैंने इनको डबल किया हुआ है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने गले का निशान लगाया है उस निशान से, और जो हमारी ये बाजू का निशान है, यहां तक बाजू जहां तक हमने ली हुई है, इस तरह से हम एक 0.5 इंच के आसपास की शेप देते हैं यहां पर इस तरह से। 0.5 इंच से थोड़ा कम भी दे सकते हैं हम इसको, या तो हम सिलाई में ले लेंगे या फिर इसको हम कटिंग भी कर देंगे, थोड़ी सी हम सिलाई में ले लेंगे। के बाद जितनी हमें बाजू की तैयार चौड़ाई लेनी होती है, हम उस पर निशान लगाएंगे। देखिए, ये हमारा कटिंग का निशान हुआ, और इतनी करीब करीब हमारा सिलाई में चला जाएगा। और 3 इंच करीब करीब हमें बाजू की चौड़ाई लेनी है, तो एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे बाजू की चौड़ाई के लिए। और ये जो फिटिंग का हमारा निशान है, इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे। और अब हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। आप 0.5 इंच भी ले सकते हैं, आप 1 इंच भी ले सकते हैं, और इसी के बाहर बाहर हम इस तरह से कटिंग का निशान लगा देंगे सारे अपनी पूरी ड्रेस के ऊपर इस तरह से।
और हल्की सी चाहें तो हम यहाँ पर ये गोलाई दे देंगे इस तरह से। और अब हम यहां से इसकी कटिंग कर लेते हैं और गला हम बाद में काटेंगे, पहले ये हम बाकी सारी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम यहां पर गले के ऊपर एक कट का निशान लगा देंगे, जिससे पीछे के गले की चौड़ाई भी हम सेम तरीके से ले सके। देखिए पीछे के पीस को हमने अलग कर दिया है और अब हम आगे के गले की कटिंग करते हैं। इसके बाद हम पीछे के गले की कटिंग करते हैं। आप एक इंच की भी शेप दे सकते हैं और एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, डेढ़ तक आप शेप दे सकते हैं इस तरह से, और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपने मैचिंग का कपड़ा लेते हैं और करीब 1.25 इंच चौड़ी दो पट्टी हम काटते हैं और लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई 6 इंच रखी है। हमने जो कट का निशान लगाया है इसके ऊपर हमें वो पट्टी लगानी है। हम जितने नीचे तक चाहें इसको उतने नीचे तक लगा सकते हैं। आप इससे कम भी ले सकते हैं और ज्यादा भी ले सकते हैं लंबाई में। इसके बाद हम गले पर लगाने के लिए और ये पट्टी काटते हैं। आप उसकी चौड़ाई 1.25 इंच तक रख सकते हैं। आप 1 इंच भी रख सकते हैं चौड़ाई इसकी और 1.25 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद हम अपनी ड्रेस को लेंगे और उसको हम उल्टा रखेंगे और जो हमने वो पट्टी काटी हुई है उसको गले से करीब 1/2 इंच ऊपर हम रखेंगे। 1/2 इंच से भी थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि जब ये कटिंग आएगी तो यहां से वो इस तरह से कटेगी, नहीं तो ये हमारी छोटी पड़ जाती है पट्टी ऊपर से। और इस पर हम जो कट का निशान है यहां तक बिल्कुल सीधी इस तरह से सिलाई लगा के छोड़ देंगे नीचे तक। इस कट के निशान तक, और इसको हम दोबारा से पक्का कर लेंगे। और फिर इसी तरह से हम दूसरी साइड की पट्टी भी लगाएंगे, उसको भी इतना ही ऊपर हम रखेंगे और उस कट के निशान तक इसी तरह से हम उस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए ये दोनों पट्टियां सिलने के बाद मैंने इसको सीधी तरफ को इनको पलट लिया है और अब हम बिल्कुल बीच में से इसको मोड़ते हैं इस तरह से, एकदम बीच में से मोड़ेंगे और बिल्कुल बीच में इसके हम एक निशान लगा देंगे इस तरह से। हमें इसके निशान के ऊपर ये पट्टियां सीलनी है। देखिए ये बीच का निशान लगाने के बाद हम करीब 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे इधर, और 1.5 इंच की दूरी पर ही हम इधर निशान लगाएंगे इस तरह से। बाद हम इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और यहां कट के निशान के नीचे आने के बाद इस तरह से जो थोड़ा सा हमारा कपड़ा बचता है बिल्कुल बीच के निशान पर इस तरह से हम उसको मोड़ते हुए नीचे तक सिलाई लगाएंगे। फिर नीचे से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से अंदर को मोड़ेंगे इस तरह से। और इस पर सिलाई लगा देंगे ऐसे। और देखिए यहां तक सिलाई लगाने के बाद हमने जो वो निशान लगाया है उस निशान तक हम इसको इस तरह से अंदर को मोड़ेंगे इस तरह से। और यहां पर भी हम एक ऐसे तिरछी सिलाई लगाएंगे और इसको थोड़ा सा हम अंदर मोड़ लेंगे इस तरह से। और इस पर हम ऊपर तक सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। और देखिए ये दोनों साइड की पट्टियां इस तरह से सिलने के बाद हमारी जो ये आगे पट्टियां बचती हैं फालतू की, इनकी हम कटिंग कर देते हैं दोनों साइड से। देखिए उसके बाद हम दोनों पीस अपने उल्टे रखते हैं एक दूसरे के ऊपर और जो ये तीरे का और बाजू का हिस्सा है उसे दोनों साइड से हम सील लेंगे इस तरह से। जैसे हम अपना तीरा जोड़ते हैं बाजू तक उसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये दोनों साइड से हमने ये अपने ऊपर के हिस्से इस तरह से जोड़ दिए हैं और अब हम इसके गले पर पट्टी लगाते हैं।
और हम गले के जो पट्टे लगाएंगे ये उल्टी तरफ लगाएंगे और सीधी तरफ को हम इसको पलटेंगे और जो हमारे बीच में गले के पट्टी लगी हुई है वहां से हम इसको लगानी शुरू करते हैं और इसको करीब आधा इंच के आसपास हम पहले बाहर छोड़ते हैं और फिर इस तरह से पूरे गले पर हम आगे भी और पीछे भी इसको पूरे गले पर हम सिल देंगे उल्टी साइड से। पट्टी को हमें ज्यादा खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है पट्टी को भी और गले को भी। और ये हम जो हमारा सिलाई का हिस्सा है बीच का तीरे वाला, इसको पीछे की साइड रखेंगे। और ये पट्टी लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ को इस तरह से पलटेंगे और पहले ये जो फालतू कपड़ा हमने आगे छोड़ा हुआ है उसको इस तरह से मोड़ेंगे, फिर एक बार इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, और ये पट्टी बाहर को पलट के पूरे गले पर इस तरह से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे यहां से। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस ये सिलाई लगाएंगे और पूरे गले पर हमें बिल्कुल बराबर बराबर ये बाहर की साइड को निकालकर सिलाई लगानी है इस पाइपिंग को और ये पट्टी को हमें। और देखिए दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको अंदर को मोड़ते हैं जो फालतू हमारा कपड़ा है, और फिर इसको ऐसे मोड़ते हैं और इसको इस तरह से हम मोड़ के पहले यहां तक सिलाई लगाएंगे और फिर इसके ऊपर यहां पर भी सिलाई लगा के हम इसको यहां तक उतार देंगे। देखिए ये गले पर पट्टी लगाने के बाद हम एक छोटी सी डोरी सिलते हैं और उसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाकर सिल देते हैं। आप उसको ऊपर भी सिल सकते हैं यहाँ गले की पट्टी पर भी और नीचे भी, और इधर हम एक बटन लगा देंगे बाद में। और देखिए उसके बाद हम बाजू पर लगाने के लिए पट्टियां काटते हैं दो, तो चौड़ाई आपके कितनी भी रख सकते हैं आप इसकी, मैंने 1.5 इंच के आसपास रखी हुई है और ये जो इसकी लंबाई है ये बाजू जितनी हमें रखनी है। और उल्टी तरफ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे और सीधी तरफ को इसको भी हम सीधी तरफ को पलटेंगे। तो हम बाजू पर पट्टी लगाते हैं। देखिए ये बाजू पर उल्टी तरफ से पट्टी लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ को पलटते हैं और एक बार बीच में से फोल्ड करते हैं और फिर इस तरह से करते हैं और दोनों बाजू पर इस तरह से हम ऊपर से फिर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसके नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे और इसमें भी हम उल्टी साइड से इसको लगाएंगे और सीधी साइड को इसको हम पलटेंगे, और पट्टी को भी हमने उल्टा रखा हुआ है और उल्टी तरफ इसको हमने अपनी ड्रेस की उल्टी तरफ रखा हुआ है। और इसकी चौड़ाई भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी आप चौड़ी इसको लगाना चाहते हैं उतनी चौड़ी आप लगा सकते हैं। और देखिए इसको हम इस तरह से सीधी तरफ को करके इस तरह से मोड़ के जितनी हमें मोड़नी है हम सिलाई लगा देंगे। और जैसे मैंने आपको शुरू में नाप लेते वक्त बताया था कि हम इसको 1.5 से 2 इंच इसकी लंबाई ज्यादा लेते हैं, लेकिन तब हम ज्यादा लेंगे 1.5 से 2 इंच, अगर हम इसमें ऊपर पट्टी नहीं लगाएंगे और अंदर को इस तरह से मोड़ेंगे तब हम इसमें ज्यादा लेंगे, नहीं तो हम केवल इसमें 1 इंच ज्यादा ले सकते हैं, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए और आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए। ये नीचे की पट्टी लगाने के बाद अगर हमें कोई पैच वगैरह लगाना है तो पहले हम वो लगा लेंगे, उसके बाद जो हमने फिटिंग की वो निशान लगाई थी उसके अकॉर्डिंग हम दोनों साइड इसको फिटिंग दे देंगे और हमारी ये ड्रेस तैयार हो जाएगी। और देखिए ये हमारी बेबी की ए लाइन ड्रेस तैयार हो गई है और मैंने इस पर ये पैच लगा दिया है। ये आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा जिस पर लेस वगैरह मिलती है। पहले आप इसको प्रेस करके इस पर चिपका लीजिए और फिर जिस कलर का हमारा पैच है उसी कलर के धागे से आप चारों तरफ इसकी सिलाई लगा दीजिए। और ये मैंने देखिए जिस कलर की हमारी ये ड्रेस है उस कलर के धागे से, चौहरा धागे से मैंने इसके ऊपर ये छोटे छोटे टाकों से ये डिजाइन बना दिया है जो मैं अक्सर बनाती हूँ। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।